सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल के आइकन को मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चलो कुछ सीखते हैं में। मैं आपका प्यार दोस्त मोहित राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वीडियो पर मोबाइल फ्रेम लगाते हैं कंप्यूटर से। पिछली वीडियो में मैंने मोबाइल से आपको बताया था, इस वीडियो में मैं कंप्यूटर पर आपको बताऊँगा कैसे मोबाइल फ्रेम ऐड करते हैं वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी भाई लोग अभी नए आए हुए हैं उनको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं अपना वीडियो एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो एडिटर है वंडरशेयर वीडियो एडिटर। डिस्क्रिप्शन में मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपने वीडियो में फ्रेम लगाने के लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चूज करना पड़ेगा। मैं यहां से एक बैकग्राउंड ले लेता हूं और इसको ड्रैग करके ड्रैग कर दिया। इसके बाद आपको एक मोबाइल फ्रेम होता है वो ले लेना है। मैं ले लेता हूँ, इसको ले लिया और यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद अपनी वीडियो ले लेना है, कोई भी ले लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और इसके बाद फ्रेम ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो का साइज सेट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको वीडियो को रोटेट कर दिया है और इसको यहाँ पे सेट कर देना है अपने हिसाब से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपने वीडियो को मोबाइल फ्रेम में सेट कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी कर सकते हो किसी भी वीडियो को अपने मोबाइल फ्रेम में ऐड। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब का बटन भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। नीचे ड्रैग किया और उसके बाद इसको ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करके लगा सकते हैं। इस पर टिक लिया और इसको लेवल को बढ़ा दिया, ये देखिए, और इसको यहाँ पर साइड में सेट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का बटन भी हमारा लग चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मोबाइल वीडियो में, किसी भी वीडियो में मोबाइल का फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा ये मेरा छोटा सा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।